सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। ये पहले हम अखबार पे आपको काट के बताएंगे। 9 इंच चौड़ा है हमारा अखबार, 10 इंच लंबाई है। अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच चौड़ाई लेंगे गले के लिए। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। ये हमने डिजाइन बनाई है। अब हम आधा इंच यहाँ से भी गोलाई देंगे। ये हमने अखबार पे पहले काटा है, अब हम बुकरम के ऊपर काटेंगे। ये कुन्नों को हम अच्छी तरीके से शेप दे दें। अब हम यहाँ से आधा इंच ऊपर के रंग भी हम बराबर शेप दे दें। ये हमने बुकरम के ऊपर डिजाइन काट ली है। अब हम ये रूमाल जैसा कपड़ा लेंगे। ये हमने रूमाल जैसे कपड़ा चौकुटा लिया है तो हम इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी बुकरम अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाए। अब हम यहाँ पे थोड़ी गोलाई और देंगे बुकरम पे। अब हम कपड़े को इसके ऊपर दबा देंगे। अब हम ये कपड़े को छान लें। और इसको बराबर करके इस तरीके से ऊपर की लंग यहाँ से थोड़ा छाट लें और यहाँ पे हम कैंची का निशान लगा दें।
हमारा पीछे वाला पल्लर है, तो इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे पहले। ये बीच में हम कैंची का निशान लगाएंगे। ये हमने बीच में निशान लगाया है, इसको बीच में इस तरीके से लगा देंगे। एक बीच में सीधी सिलाई लगाएंगे, जिससे जब हम बुकरम के बगली से सिलाई लगाएंगे गले पे, तो ये कपड़ा बराबर इसमें सेट हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे बीच में सिलाई लगाएं। अब हम यहाँ से चालू करेंगे सिलाई लगाना, तो बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगाएं, बगली बगली सिलाई लगाएं। जैसे हमारे मोड़ आते हैं, कुन्ने आते हैं, तो हम सुई को इसमें लगी रहने देते हैं, जिससे हमारी डिजाइन जिस तरीके से हमने बुकरम काटी है उसी तरीके से हमारी ये डिजाइन बन जाएगी। अब हमें बीच का कपड़ा काट लें और ये कुन्नों पे कैंची लगा लें। अब हम इस पर मशीन चला के कच्ची सिलाई करेंगे, बाद में हम तुरपाई करेंगे, फिर इस सिलाई को हम हटा देंगे। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग को किस तरीके से काटते हैं मैं आपको बता दूं। गले में पट्टी लगाते हैं, डोरी बनाते हैं, उसी तरीके से पाइपिंग को काटते हैं। इस तरीके से हमें कपड़े को तिरछा करेंगे यहाँ से। अब हमें पाइपिंग को जोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारा कुन्ना ज़्यादा निकल रहा है, ये कम कुन्ना है, इसको दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे। पाइपिंग को हम नापते हैं, अब हमें ऊन का धागा लेंगे, इस पाइपिंग के बीच में हम धागे को लगाएंगे, जिससे हमारी पाइपिंग बराबर एक जैसी बनती है, पतली पतली। पाइपिन को हम यहाँ से लगाएंगे उल्टे लंग से इस तरीके से, तो ये हमारी पाइपिंग एक जैसी बनेगी पतली।
ये देखिए पाइपिंग कितनी पतली बनी है। अगर हम पाइपिंग को इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी पाइपिंग एक जैसी आएगी। अब हम इसके बगली से एक और सिलाई लगा दें जिससे ये हमारी पाइपिंग अच्छी तरीके से दब जाए। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो इसको अंदर की तरफ करके तुरपाई भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। डोरी हम धागे की बनाएंगे। ये हमारा धागा है तो हम डोरी को जितना लंबा बनाना चाहें। तो हमने ये धागा 10 धागे लिए हमने। अब हम इसको पैर से दबा सकते हैं। आपको हम बताने के लिए कैंची से बांध रहे हैं। अब हम इसमें इस तरीके से करेंगे। अब हमने धागे को खोल लिया है। इसको हम बराबर दोनों धागों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। ये हमारी डोरी बन गई एक लंग की। अब हम दूसरी लंग की भी इसी तरीके से बनाएंगे। इसको हम नापेंगे इस तरीके से। अब हम इसके डबल धागा लेंगे इसके बराबर एक डबल। तो हमें एक 10 बार लेना है। हमने 10 बार ले लिया है। हमने धागे को खोल लिया। अब हम इसको बराबर इस तरीके से यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। ये हम गांठ इसलिए लगाते हैं कि ये धागा निकल ना जाए। गांठ लगाने से बराबर लगा रहता है। इसमें हम झूमर लगा लें। ये बन गई हमारी पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।